हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वाद खट्टा मीठा। आज हम बनाने जा रहे हैं चौबड़ मसाला की रेसिपी। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रेसिपी। आप इनको स्टोर करके भी रख सकते हैं। आप जब भी कोई ग्रेवी वाली सब्जी बनाए तो आप इन मसालों का यूज़ करें, आपकी सब्जी क्विक और जल्दी बन जाएगी। मसाले को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, जिनको बिल्कुल फाइन चॉप्ड कर लिया है इस तरह से, और साथ में मैंने एक बड़े टमाटर लिए हैं जिसको मैंने फाइन चॉप कर लिया। अगर आप मेरे नए व्यूअर्स हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना ना भूलें, इससे आपको मेरी वीडियो पहले मिलेगी आप सबको। और ऐसे ही क्विक वीडियो पाने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जो कि स्वाद खट्टा मीठा के नाम से है। मैंने सारे प्याज को इस तरह से फाइन चॉप कर लिया है। अब इनको एक बोल में ट्रांसफर करके इस साइड रख देती हूँ। अब मैं इस टमाटर को भी इस तरह से कट कर लेती हूँ, बिल्कुल फाइन होनी चाहिए ये भी। हमारी चॉपिंग स्टाइल आप सबको कैसी लगी आप सब मुझे ये कमेंट करके बताएं, और आप सबकी चॉपिंग स्पीड कितनी अच्छी है आप सब मुझे ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस मसाले से मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेके आने वाली हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इस रेसिपी को देखना ना भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसी लगी आपको वो रेसिपी। अब मैंने यहाँ पर जिंजर गार्लिक पेस्ट तैयार कर लिया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की ये रेसिपी। इसके लिए मैंने एक पैन में तेल गर्म कर लिया। तेल गर्म करने के बाद इसमें हम जीरा डाल देंगे। जीरा हमारा जब चटक जाएगा तो इसमें हम मसाला ऐड करेंगे, जो है कि है छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी की लकड़ी, गोल मिर्च, लौंग, तेज़पत्ता, हींग। आप इन सबको डालने के बाद चटका लेंगे। जब हमारा ये सारे मसाले चटक जाएंगे तो इसमें हम कटा हुआ प्याज डाल देंगे। प्याज को डालने के बाद इनको हम धीमी आँच पर पकाएँगे, प्याज हमारा जब तक कि लाल ना हो जाए। ध्यान रखें कि प्याज हमारा जले नहीं, प्याज को धीमी आंच पे ही लाल करें, तभी आपका ये मसाला अच्छा बनेगा। हमारा प्याज लगभग लाल हो गया है, हमको इस स्टेज पर ही चाहिए था। अब इसमें हम ऐड कर देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट जो मैंने बना के रखा था। इनको 2 से 3 बार सॉटे करते हुए इसमें हम ऐड कर देंगे टमाटर। टमाटर को पका देंगे अच्छे से। अब इसमें हम ऐड करेंगे हल्दी, नमक और डेंगी मिर्च। अब इन सबको अच्छे से पका लेंगे जब तक कि हमारा टमाटर ना पक जाए, और फिर इनको आप ठंडा करके फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं और किसी भी सब्ज़ी को बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं।